नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों रेलवे वाले CBT 2 और ग्रुप डी वाले के लिए हम यह बुक खरीदे हैं और आज से यह बुक आपको रेगुलर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों यह मैथ का बुक हो गया और यह हो गया रीजनिंग का बुक, ये दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको दोस्तों, ठीक है। तो आज दोस्तों हम मतलब कि स्टेटस में डाले हैं कि आज से हम रेलवे का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और स्पेशल रेलवे और CBT 2 यानी और ग्रुप डी वाले के लिए यह वीडियो बन रहा है, ठीक है। और स्पेशल रेलवे का गणित है, हर एक क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। सब के सब क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। तो आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा रेलवे वाले भाई के लिए, ठीक है। और रीजनिंग का कमेंट आया तो रीजनिंग का भी वीडियो बनेगा। देखिए रेलवे रीजनिंग लूसेंट का बुक है और रेलवे का मैथ का बुक है, ठीक है। ये हुआ गणित और हो गया रीजनिंग का। तो आज वाली वीडियो में आपको मैथ्स का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और मैथ में सबसे पहले आयु संबंधी, ठीक है, आयु संबंधित क्वेश्चन मिलकर सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। घंटी को दबा देने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों यदि कमेंट आया तो हम चैप्टर नंबर 1 से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम एज प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं, एज में थोड़ा सा कंसेप्ट जान लीजिए, उसके बाद ट्रिक तो ऐसा बताएंगे कि आप सपना में भी नहीं सोचे होइएगा, ठीक है। चलिए एक होता है वर्तमान, होता है समय वर्तमान, और एक होता है पूर्व, ठीक है, और एक होता है पास्ट, मतलब कि हम लिखते हैं पाँच वर्ष बाद लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व लिखते हैं, ठीक है। दोस्तों पहले कंसेप्ट समझिएगा, सब बात यहीं से है, कंसेप्ट यहीं से निकलता है, समझिएगा कि मानते हैं कि अभी मेरा उम्र 100 वर्ष होगा, वर्तमान मतलब अभी, ठीक है। मानते हैं कि मेरा वर्तमान उम्र अभी 100 वर्ष होगा, तो 5 साल बाद हमारा उम्र कितना हो जाएगा पता है, 5 बढ़ जाएगा। मानते हैं कि अभी हम 20 साल के हैं, 5 साल बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा, तो 5 जुट जाएगा यानी 25 साल हो जाएगा। तो वही बात है कि वर्तमान में मेरा उम्र अभी 100 वर्ष है, तो 5 साल बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा, तो इसमें 5 जुट जाएगा, मतलब वर्तमान वाला वैल्यू में 5 जुट जाएगा, यानी कि 100 में 5 जुट जाएगा, यानी कि 5 साल बाद मेरा उम्र 100+5 वर्ष के हो जाएगा। इतना क्लियर है, चलिए ध्यान दीजिए। मानते हैं कि मेरा वर्तमान उम्र अभी 100 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो 5 कम रहा होगा, ठीक है, यानी कि 100-5 वर्ष के रहे होंगे 5 वर्ष पहले, समझ रहे हैं। मानते हैं कि मेरा उम्र अभी 20 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितना, 5 कम रहा होगा यानी 15 वर्ष रहा होगा। तो वही बात यहाँ लिख रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। मानते हैं कि मेरा उम्र 5 साल पहले 100 वर्ष के था, 5 साल पहले मेरा उम्र 100 वर्ष था, तो आज कितना हो गया होगा पता है, 5 बढ़ गया होगा। जैसे कि समझिएगा, 5 साल पहले हम 15 साल के थे, इसका मतलब आज कितना उम्र हो गया, 5 बढ़ गया होगा यानी 20 साल के हो गए होंगे, यानी कि इसमें 5 जुट जाएगा तो वर्तमान में चलाएगा, ठीक है। 5 साल पहले 100 वर्ष के थे, इसका मतलब है वर्तमान में मेरा उम्र 100+5 वर्ष के होगा, ठीक है। अरे ध्यान दीजिए, 5 साल पहले मेरा उम्र 100 वर्ष रहा होगा, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5 जोड़ दीजिएगा तो वर्तमान में चलाइएगा, और फिर 5 जोड़िएगा तो 5 साल आगे चल जाइएगा, ठीक है। यानी कि 5 साल पहले वाला वैल्यू में 10 जोड़ दीजिएगा ना, तो 5 वर्ष बाद पहुंच जाइएगा, ठीक है। 5 जोड़ दिए तो वर्तमान में आ गया, अब फिर 5 जोड़ेंगे तो 5 साल बाद में पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए एक और कंसेप्ट समझिएगा। मानते हैं कि 5 साल बाद मेरा उम्र 100 वर्ष के हो जाएगा, 5 साल बाद मेरा उम्र 100 वर्ष के हो जाएगा, तो वर्तमान में मेरा उम्र कितना होगा पता है, 5 कम ना होगा। जैसे कि 5 साल बाद हम 20 वर्ष के हो जाएंगे, तो अभी कितना उम्र है, तो 5 कम होगा यानी 15 ही होगा। तो बस 5 साल पहले का वैल्यू पता है, वर्तमान के जानना है, तो 5 कम कर देंगे, यानी कि अभी मेरा उम्र 100+5 होगा, कहे कि 5 साल बाद हम 100 वर्ष के हो जाएंगे। अच्छा 5 साल बाद मेरा उम्र 100 वर्ष हो जाएगा, तो 5 साल पहले कितना था, तो 5 कम कीजिएगा तो वर्तमान में आ जाइएगा, और फिर 5 कम कीजिएगा तो पीछे चल जाइएगा 5 साल, यानी कि 100 में से 10 कम करना होगा तब जाकर 5 साल पीछे जाइएगा। यहाँ से सीधा सी बात समझिए कि आगे जाना है तो जोड़ देना है, और
पीछे जाना है तो घटा देना है, ठीक है। मानते हैं कि वर्तमान का वैल्यू मुझे पता है, अब पीछे जाना है तो कम करेंगे मतलब घटा देंगे, आगे जाना है तो जोड़ देंगे, ठीक है। बस इतना ही कंसेप्ट है। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी सभी भाइयों पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर दीजिए। आप क्वेश्चन हम ऊपर दिखा रहे हैं और वीडियो को अंतिम में एक अच्छा बात बताएंगे, उसको आप गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है कि पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 65 साल है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था, 10 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, एक पिता और उसके बेटे, तो पिता के बोल रहे हैं फादर और बेटा को बोल रहे हैं सन। फादर और सन का योग कितना दिया है, दोनों का उम्रों का योग 65 यानी कि 65 साल, और 10 साल बाद का रेशियो दिया है फादर और सन, 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया है, तो 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 10 वर्ष पहले उनके उम्र का अनुपात जो था ना 7:2 था। कहने का मतलब है 10 साल पहले पिताजी 7 साल के होंगे तो बेटा जी 2 साल के होंगे, यदि पिताजी 70 साल के होंगे तो बेटा जी 20 साल के होंगे, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है काटा कूटा वैल्यू, यानी एकदम छोटा रूप होता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ रेशियो देखना है और रियल वैल्यू देखना है, इसको बोलेंगे रियल और इसको बोलेंगे रेशियो वाला वैल्यू, मतलब अनुपातिक वैल्यू, समझिएगा। यहाँ दिया है 10 साल पहले का मान अनुपात और यहाँ दिया है वर्तमान का अनुपात, बराबर नहीं कर सकते हैं, बराबर तभी कर सकते हैं जब दोनों जगह समान हो जाएगा। तो 10 साल पहले ही दिया है ना, तो इसको भी 10 साल पहले ले जाइए इसको, ठीक है। तो देखिए अभी दोनों पिता और बेटा का उम्र का योग जो है ना 65 साल है, तो 10 साल पहले कितना रहा होगा, तो 10 पिताजी कम रहे होंगे और 10 बेटा जी कम रहे होंगे, यानी 20 इसमें से कम कर दीजिएगा तो 45 वर्ष जो आया ये पिता और बेटा दोनों का योग किया कब का, 10 साल पहले का। हम 10 साल पहले का इसलिए निकले हैं कि हमको रेशियो जो है 10 साल पहले का पता है। चलिए ध्यान दीजिए, अनुपात में 10 साल पहले दोनों का योग कितना, तो अनुपात में 9, जबकि रियल में हम लोग निकाल लिए कि 45 साल दोनों का, दोनों तो योग्य है दोनों पिता और बेटा का, इसलिए बराबर अनुपात एक का वैल्यू निकालिए, 9:45 अनुपात एक का वैल्यू पता चल गया कि 5, जब एक का वैल्यू पता चल गया तो किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक का वैल्यू 5 तो 7 का वैल्यू कितना, 7:35, एक का वैल्यू 5 तो 2 का वैल्यू 5×10, 10 साल पहले का उम्र हमको पता चल गया कि 10 साल पहले पिताजी 35 वर्ष के थे और बेटा जी 10 वर्ष के थे, लेकिन आपसे पूछा है कि 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात बताइए, तो अब 10 साल पहले 35 साल, तो वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ेंगे और 10 साल बाद के पूछा है, यानी 10 और भी जुटेगा यानी 20 जुटेगा, तो 20 साल पिताजी में जुटेगा और 20 साल बेटा जी में जुटेगा, दोनों के जोड़ दीजिए तो इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 20 और 10 30 हो जाएगा, काटिएगा तो 5 से काटिएगा 6 बार में, 5 से काटिएगा 11 बार में, 5 से काटिएगा 6 बार में, यानी कि 10 साल बाद 10 वर्ष बाद का रेशियो आ गया पिता और बेटा का 11:6, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, पश्चात के मतलब बाद है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी का बारे में बोल रहा है, तो ए और बी का आयु जो है 6:5 में है। दोस्तों कुछ नहीं बोला है तो वर्तमान मान लीजिएगा, वर्तमान और कुछ बोल देगा तो कोई बातें नहीं है, कुछ नहीं बोला इसलिए वर्तमान मान लिए। अच्छा ए और बी का योग दिया है, दोनों का योग कितना दिया है 44 वर्ष, यहाँ कुछ नहीं बोला कि 5 साल पहले 10 साल पहले कुछ नहीं बोला है, तो अनुपात में दोनों का योग देख लीजिए कितना हो गया 6:5 11, अनुपात में योग दोनों का योग 11 और जबकि रियल में दिया है 44, दोनों तो ए और बी का ही योग है इसलिए बराबर, अनुपात एक का वैल्यू 11:44। अब इसका मान निकाल दीजिए, ए और बी का उम्र निकाल लीजिए, तो एक का वैल्यू 4 6 का वैल्यू 24,
एक कमल चार तो पाँच कमल बीस, यानी कि वर्तमान में ए जो है 24 वर्ष के है और बी 20 वर्ष के है, लेकिन आपसे पूछा है कि 8 वर्ष बाद का, तो 8 बढ़ा दीजिए, 8 जोड़ दीजिए इसमें भी 8 इसमें भी, तो जोड़िए 20 और 8 28 और इधर हो जाएगा 800 का 32 हो जाएगा। अनुपात पूछा है तो अनुपात लगाइए, आप काट दीजिए, 4 से कटिएगा 8 वर्ग में, 4 से 4 8 32 और 4 7 28 आ गया 8 अनुपात 7 आ गया, कब का 8 वर्ष बाद का है, ठीक है। तो आफ्टर 8 ईयर मतलब 8 साल बाद का रेशियो आ गया 8:7 जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है श्याम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। श्याम और मोहन इनकी आयु का अनुपात दिया है 4:3 कुछ नहीं बोला है तो वर्तमान यानी प्रेजेंट आयु मान लीजिए, कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट ही मान के चलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा श्याम और मोहन का उम्रों का योग दिया है, कितना वर्ष दिया है 28 वर्ष, तो बराबर लिखिए 28। तो अनुपात में श्याम और मोहन का उम्रों का योग कितना, तो 7, और जबकि रियल में दिया है 28, दोनों तो श्याम और मोहन का ही योग है, इसलिए बराबर अनुपात 1 का वैल्यू 7 × 28। अब यहाँ गुणा कीजिए 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 8 वर्ष बाद वर्तमान में 16 साल, तो 8 वर्ष बाद कितना, तो 8 इसमें जोड़ दीजिए, 8 इसमें भी जोड़ दीजिए, क्या ऐसा नहीं है कि श्याम की उम्र बढ़ते रहेगा और मोहन जी की उम्र रुकल रहेगा, दोनों बढ़ेगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 24 जोड़िएगा तो इधर हो जाएगा 20 हो जाएगा। अनुपात पूछा तो अनुपात चीन लगा दीजिए, काट दीजिए, 4 से कटिएगा 4 × 6 = 24 और 4 × 5 = 20, यानी कि 6:5 के रेशियो होगा, कब का 8 साल बाद का, ठीक है, ये 8 वर्ष बाद का। आपका आंसर हो जाएगा 6:5, 6:5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा, वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में कितना है, ध्यान दीजिएगा। पिता और पुत्र तो फादर प्लस सन, इनके आयु का योग दिया है, कितना दिया है 50 वर्ष। अच्छा रेशियो में कब का दिया है, रेशियो में दिया है 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष बाद का रेशियो दिया है, क्या दिया है 10 वर्ष बाद का रेशियो दिया है 5:2, ध्यान दीजिए यहाँ दिया है वर्तमान में योग और यहाँ दिया है रियल दिया है 10 वर्ष बाद, तो दोनों के समान करना पड़ेगा। तो देखिए अनुपातिक वैल्यू कहाँ के दिया है 10 वर्ष बाद के, तो इसको भी 10 साल बाद ले जाइए। तो सुनिए पिता और बेटा का उम्रों का योग अभी 50 वर्ष है, तो 10 साल बाद दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 10 पिताजी बढ़ेंगे 10 बेटा जी बढ़ेंगे, यानी 20 साल बढ़ जाएगा दोनों का योग, तो 20 जोड़ दीजिए यानी 70 साल के हो जाएंगे 10 साल के बाद दोनों का योग। तो अनुपात में दोनों का योग कितना 10 साल बाद 7, आज भी रियल में 70, अनुपात तय का वैल्यू 7 × 70। चलिए गुना कर लीजिए तो 10 × 10 = 50 और 10 × 20 हो जाएगा। ये 10 साल बाद का रेशियो आ गया, आपसे पूछा है वर्तमान उम्र बताइए, तो 10 साल के बाद 50 साल के पिताजी हो जाएंगे, तो अभी कितना होगा 10 कम में होगा। अच्छा पुत्र जो है 10 साल के बाद 20 साल का होगा, अभी कितना था 10 कम में होगा, यानी कि पिताजी हो जाएंगे 40 वर्ष के और बेटा हो जाएगा 10 वर्ष के, यानी 40 साल और 10 साल देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, 40 साल और 10 साल ऑप्शन नंबर ए में ही है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चेन्नई सुपर किंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, चेन्नई मतलब RRC चेन्नई। क्वेश्चन है कि मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात 2:3 है, 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 होगा, हो जाएगा, सोहन की वर्तमान आयु क्या है, टाइप चेंज हो गया, ठीक है। एम से मुकेश और एस से सोहन, एम से मुकेश और एस से सोहन, इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3, कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट आयु मान के चलिए, ठीक है। और फिर एक और रेशियो दिया है, टाइप चेंज है दोस्तों, 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा, आफ्टर 12 ईयर, हिंदी में लिखते कि इंग्लिश में, चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, आफ्टर
ट्वेल्व ईयर मतलब 12 वर्ष बाद का रेशियो दिया है, 12 वर्ष बाद का रेशियो दिया है 11:15 दिया है, 11:15 ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे। इधर देखिए अंतर कितना है, ये दोनों में अंतर कितना 9 का, इधर अंतर कितना 12 का, तो रेशियो समान नहीं है, रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बैलेंस कैसे कीजिएगा, इसका अंतर देखिए कितना है 4 का अंतर, यहाँ अंतर कितना 1 का अंतर, ठीक है। देखिए इधर अगर अंतर समान रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ अंतर समान नहीं है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है इसलिए ऐसा बैलेंस कर रहे हैं। तो नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना, ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, ठीक है। अब देखिए गुना कीजिए दोनों में, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, 1 × 11 = 11 और 15 × 15। अब ये हो गया फादर के और ये हो गया सन के, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं रखना है। अब यहाँ देखिए अब अंतर समान हुआ कि नहीं हुआ, अंतर अनुपात में 3 का लिखिएगा, जो अंतर है वो लिखिएगा। आ इधर देख लीजिए कितना है, तो 12 साल है यहाँ, तो बराबर लिखिएगा 12। अगर 2 गुना था इधर 12 साल पहले 12 साल बाद तो जोड़ के उधर लिखते बराबर में, लेकिन ये केवल 12 है तो 12 लिख दिए। तो अनुपात एक का वैल्यू 3 × 12, ठीक है 3 × 12। अब जिसका पूछा है उसका मान निकाल दीजिए। पूछा क्या है, पूछ दिया है कि सोहन की वर्तमान आयु, सोहन किधर है, यही ना है, ठीक है। सोहन वाला वैल्यू वर्तमान वाला वैल्यू से काम कर रहा है, वर्तमान का पूछा है। तो 1 का वैल्यू 4, तो 12 का वैल्यू कितना 12 × 48 वर्ष, यानी सोहन जो है 48 वर्ष के है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 2:3 हो जाएगा, बताएं कि ए की आयु बताएं। ध्यान दीजिए सेम क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 3:5, कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर दूसरा रेशियो क्या दिया है, 6 वर्ष बाद, तो 6 ईयर एगो लिखिए या आफ्टर 6 ईयर लिखिए, दोनों बात सेम ही है, 6 वर्ष बाद इसका हिंदी हुआ, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर एगो इनका अनुपात 2:3 है, 2:3 है, तो एक ही वर्तमान पूछा है। इधर देखिए इधर अंतर 2 का, इधर अंतर 1 का, बैलेंस नहीं है, तो यहाँ बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस कैसे कर रहे हैं, नीचे वाला अंतर दोनों में कितना है 1, ऊपर में अंतर कितना है 2, ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना, बैलेंस करने का तरीका है। तो 3 × 3 = 5 × 5, 3 × 2 = 4 और 3 × 2 = 6। अब देखिए ये ए का हो गया और बी का हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अंतर कितना, तो अंतर है 1 का, आ इधर कितना है, तो केवल 6 है तो बराबर 6, 1 का वैल्यू पूछा है, 1 का वैल्यू निकल गया 6। अब जिसका पूछा है उसे गुना कर दीजिए, 1 का वर्तमान पूछा है तो ये यही ना है, 1 का वैल्यू 6 तो 3 का वैल्यू 18 वर्ष, यानी ये जो है 18 वर्ष के। आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, 1 का वैल्यू 6 तो 4 का वैल्यू कितना 24 हो जाएगा, लेकिन 6 साल बाद 24 साल का हो जाएगा, तो अभी 6 कम होगा, 6 घटा दीजिए 18 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान का दिया है रेशियो, इसलिए वर्तमान से निकाल दिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम तो धोखेबाज हो। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 होगा, इस समय विजय की आयु बताएं। देखिए ए से अजय और बी से विजय, अजय और विजय का अनुपात दिया है 3:4, कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट मान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 5 वर्ष बाद तो 5 ईयर एगो इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, 4:5, ठीक है। तो पूछ दिया है आपसे कि विजय की आयु बताएं इस समय, मतलब वर्तमान में। देखिए अंतर समान है, तो हाँ अंतर समान है तो ऑलरेडी बैलेंस है, अनुपात में अंतर 1 निकाले, इधर कितना है 5 है तो 5 लिख दीजिए। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है विजय की आयु बताएं इस समय की, तो विजय यही ना है प्रेजेंट, मतलब इस समय 1 का वैल्यू 5 तो 4 का वैल्यू 20, यानी कि 20 साल के हो जाएंगे, 20 साल के हैं अभी विजय जी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। वर्तमान में माया और छाया की उम्रों का अनुपात 6:5 है,
अब से 15 साल बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। तो माया की वर्तमान आयु बताएं। देखिए एम से माया और सी डबल एस से छाया लिखते हैं, ठीक है, या हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी अनुपात दिया है उम्र का 6:5, कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट मान लीजिए, पी आर ई से प्रेजेंट मानिएगा, ठीक है। और फिर आगे दिया है, आगे बोला है कि अब से 15 वर्ष बाद, अब से क्या 15 वर्ष बाद, सीधे बोलिए ना 15 ईयर एगो, 15 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा, 9:8। तो पूछ दिया है क्या, तो पूछ दिया है माया की वर्तमान आयु। देखिए अंतर समान है दोनों में, तो हाँ अंतर तो 3 का है, यानी ऑलरेडी बैलेंस है, अंतर 3 का। और इधर कितना है 15, तो बराबर लिखिए 15, अनुपात 1 का वैल्यू 3, 5, 15, 1 का वैल्यू 5 निकल के चलाया। आपसे पूछा है माया की आयु, पूछा है माया, देख लीजिए तो माया की वर्तमान आयु, तो माया कहाँ है, यही ना है, 1 का वैल्यू 5, तो 6 का वैल्यू 6, 5, 30 वर्ष, यानी माया जी अभी जो है ना 30 वर्ष के है, ठीक है, माया जी 30 वर्ष के है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता में पूछा हुआ है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है, 15 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। नवल की आयु बताएं, देखिए ए से अजय और एन से नवल, इनकी आयु का अनुपात दिया है 2:3, 2:3, कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 12 वर्ष पश्चात, मतलब 12 वर्ष बाद 12 ईयर एगो, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 11:15 है ना, देखिए तो हाँ ठीक है 11:15 है। देखिए अंतर समान है, इधर 12 का अंतर है और इधर 9 का अंतर है, अंतर समान नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका अंतर 4, इधर का अंतर 1, नीचे वाला से ऊपर में गुना और ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 11 × 11 = 11, 15 × 15, ठीक है। अब देखिए अंतर समान हो गया होगा, अंतर 3 का, और जबकि इधर कितना है 12, तो बराबर 12, अनुपात 1 का वैल्यू 3 × 4 = 12, 4 निकल के चलाया, ठीक है। अब इस वजह से मतलब ना रखिएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा नवल की आयु बताए, नवल का वर्तमान आयु, तो नवल वाला किधर है, यही ना है, यानी दूसरा, तो यही नवल का वैल्यू है प्रेजेंट वाला, तो 1 का वैल्यू 4, तो 12 का वैल्यू 12 × 48, 12 × 48 ईयर, यानी 48 वर्ष के हैं अभी नवल जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी के मध्य आयु का अनुपात 2:5 है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा, इनकी वर्तमान आयु में अंतर बताएं। देखिए मध्य मतलब ए तथा बी के मध्य, यानी ए तथा बीच के आयु का अनुपात पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, बोला है ए और बी का मध्य, मतलब ए और बी के बीच का अनुपात जो दिया है उम्रों का, वो दे दिया है कितना 2:5, 2:5 लेंगे, कुछ बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो प्रेजेंट लेके चलिए। फिर आगे क्या बोला है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा, 8 वर्ष बाद 8 ईयर एगो, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2, तो 1:2 लिखिए, अंतर देखिए समान है, इधर 2-3 का अंतर, इधर 1 का अंतर, अंतर समान नहीं है, यानी बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कीजिए, तो इसका अंतर कितना, दोनों का अंतर 1, ऊपर का अंतर कितना 3, ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना, 1 से गुना कीजिएगा इतना ही रह जाएगा 2:5 रह जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, ठीक है। अब देखिए अंतर समान हो गया होगा, अंतर अनुपात में 1 का इधर कितना है 8 है, तो बराबर लिखिए 8। अब देखिए पूछा क्या है, तो पूछा है इनकी आयु में अंतर बताएं। तो दोस्तों दो व्यक्ति के बीच आयु में अंतर हमेशा समान रहता है मरते दम तक। कहने का मतलब है हम अपने भाई से 5 साल के छोटा हैं, तो मरते दम तक 5 साल के छोटा रहेंगे, समझ रहे हैं, तो अंतर कहीं से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर कितना है 3, आज अनुपात 1:8, यानी 8 × 3 = 24 वर्ष का अंतर है ए और बी में, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट आएगा तो इसके आगे भी पार्ट बनेगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।